अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? डॉक्टर शाजिया। डॉक्टर शाजिया, मुझे ये बताओ कि आपके साथ क्या हुआ, अभी आप कर क्या रही हो? मैं हाउस जॉब कर रही हूँ। हाउस जॉब कर रही हूँ, आपके साथ क्या वाकया पेश आया? मेरी शादी मेरी फैमिली ने की, काफी अच्छे वो लोग थे, उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। तो इनसे शादी करवाई? जी, तो मेरी फैमिली ने कहा कि क्या नाम लेते हैं, फैमिली काफी अच्छी है तो इसकी शादी कर देते हैं। शुरू के 5-4 मंथ बिल्कुल ठीक रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कैसे ठीक रही, क्या क्या आपको मिला वहाँ? मतलब कि मैं वहाँ कोई काम नहीं करती थी, बिल्कुल आराम से, वो कहते थे अपनी लाइफ एंजॉय करो, ये मतलब मैं बिल्कुल जैसे लग्जरी लाइफ नहीं होती, मैं वैसे रहती थी। उनके घर में क्या क्या सहूलियात थी? उनके घर में अपना जिम था, स्विमिंग पूल था और नौकर वगैरह, मतलब सारा कुछ था। गाड़ियां भी थी? गाड़ियां थी। कौन सी गाड़ी थी? लैंड क्रूजर थी और फॉर्च्यूनर। अच्छा, वगैरह थी। लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर उनके घर में थी? जी। अच्छा, फिर कितने महीने आपकी आप उनके साथ सेट रही? 5-4 मंथ्स। 5-4 मंथ ये शादी आपकी किसने करवाई? घर वालों ने की थी। आपके वालद ने रिश्ता देखा? जी। उनको नहीं पता था कि कौन है? नहीं, उनको ये पता था कि उनका कौन सा काम है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। आप MBBS अभी अभी आपने की? जी। तो आप मुझे ये बताओ, जब आप 4 महीने बाद आपने क्या देखा? मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो सारी फैमिली ना घर से गायब होना शुरू हो गई, सारे गाड़ी में बैठते थे और पता नहीं कहाँ चले जाते थे। फिर मैं एक दिन सारे घर के सारे जी बच्चे सारे, बड़े सारे जी सारे। अच्छा, फिर तो मैं एक दिन घर में अकेली थी, मैं उनके बेसमेंट में गई, तो उनके बेसमेंट में ना यूथ गेटअप्स वगैरह थे, कपड़े थे भिखारियों वाले, वो वहाँ पे चेंज करते थे और भीख मांगने जाते थे। सारा घर भीख मांगने जाता था? जी। ये कहानी नाज़रीन इतनी यूनिक है कि देखेंगे लड़की की शादी होती है और सारा घर भीख मांगने, यानी कि वो फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूजर पे बैठ के वहां से निकलते और भीख मांगने जाते। जी, भीख मांगने जाते। आपने उनको कैसे पकड़ा भीख मांगने, गाड़ी का कैसे पीछा किया? मैं फिर एक दफा उनके पीछे गई, जाके देखा तो ये ऐसी वो लाहौर में जगह जगह पे जाके अपने उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे तो भीख मांगते थे, भीख मांगने थे। तो उस दिन कैसा फील हुआ? फिर मेरी लाइफ ही खराब हो गई थी, मुझे एकदम अपने ऊपर भी तरस आया कि मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे साथ तो धोखा हो गया। तो उनके पास तो पैसा था, गुजारा कर लेती? नहीं, मैं ऐसे, वो तो भीख का ही पैसा था ना, उनका कौन सा खानदानी पैसा था। तो आपका जो शोहर था वो भी भीख मांगता? जी, वो भी भीख मांगता। तो गेटअप कैसे करते थे उनका, क्या कपड़े क्या क्या करते थे? बेसमेंट में जाते थे, कपड़े वगैरह चेंज करते थे, उनके पास एक मेकअप आर्टिस्ट था जो मतलब उनके गेटअप